हरे कृष्णा। दशहरा यानी कि विजयदशमी हर वर्ष अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि को मनाया जाता है, जिसे विजयदशमी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया और हमको शिक्षा दी किस प्रकार से बुराई पर अच्छाई की विजय होती है। भगवान राम के चरित्र को अनेकों रामायणों में व्याख्यान किया गया। कहते हैं, नाना भाति राम अवतारा, रामायण शत कोटि अपारा। शत कोटि यानी 100 करोड़ प्रकार की रामायण है। और हम देखते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं और हर कल्प में कुछ ना कुछ भेद दिखाई देता है। कहते हैं, कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भाति अनेक मुनि सन गाए। कल्प यानी कि ब्रह्मा जी का एक दिन। जो ब्रह्मा जी का एक दिन है इसमें 1000 बार चतुर्युग घूम जाते हैं। चतुर्युग की अवधि 43,20,000 वर्षों की होती है। तो रामायण कई प्रकार से हमारे सामने है। श्रीमद् भागवत पुराण की रामायण, पद्म पुराण के अंदर रामचरित्र आता है। हम देखते हैं चैतन्य चरितामृत में भी रामचंद्र जी की व्याख्यान है, और वाल्मीकि रामायण है, रामचरितमानस है, कृतवास रामायण है, कंभ रामायण है। और इन सभी रामायण के तथ्यों से आज हम 10 ऐसे रहस्यों पर चर्चा करेंगे जो शायद ही किसी ने सुने हों। पहला, श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान ने राम के बारे में जब वर्णन किया गया है, वहां रावण के नाम का भी वर्णन किया गया है। आता है 9वें स्कंद के 10वें अध्याय के 26 नंबर श्लोक में, मंदोदरी जब पता चलता है कि रावण का वध हो गया है तो सभी रावण की पत्नियां रोती हुई उस युद्ध क्षेत्र में पहुंचती हैं और कहती हैं, हाहतास्मावयम् नाथ लोक रावण रावणा, कम याच शरणम लंका त्वत्विहीन पर आर्दिता। कहते हैं कि हाँ रावण, आप तो मर गए हैं, आप चले गए हैं नाथ लोक रावण रावणा। तो रावण शब्द का अर्थ बताया गया, रावण के नाम का मतलब है जो सबको रुलाने वाला है। जीते जी आप रुला रहे थे और अब आप मर गए हैं, आपने हमारी बात नहीं मानी, राम की शरण नहीं ली और आप मर गए हैं। अब जो लंका है वो किसकी शरण में जाएगी, कौन लंका को आपके बिना चलाएगा। तो ये बहुत बड़ा रहस्य है रावण के नाम का शब्द जो हमें जानना चाहिए। तो उस प्रकार से दूसरा असत्य आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जब रावण मारा गया तो फिर किसने लंका का राज्य संभाला, वो है उनके ही छोटे भाई विभीषण। हनुमान जी जब छोटा रूप रखकर के लंका में प्रवेश किए थे, सूक्ष्म रूप रख के, तो उन्होंने देखा लंका रूपी इतनी बड़ी है, सोने की नगरी, लेकिन इसमें एक छोटा सा कमरा है जिसमें राम 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 लिखा हुआ है और कोई बैठा है निद्रा में भी, क्या बोल रहा है, राम राम राम। कहा ये तो साधु है, राम भक्त है। तुरंत हनुमान जी उस कक्ष में प्रवेश करते हैं और जाकर के चर्चा करते हैं, पता चलता है विभीषण है। पूछते हैं, आप विभीषण कैसे रह रहे हैं इस कक्ष में, क्या रावण ने कभी आपको राम नाम का जप करने से रोका नहीं, आपने पूरी दीवारों पे राम राम लिखा है। तो यहां पर विभीषण बताते हैं, हनुमान जी मैं वैसे ही रह रहा हूं जैसे दांत के बीच में जीभ रहती है, और राम का नाम मैंने लिखा है। रावण ने कई बार इसके खिलाफत की लेकिन मैंने उसको बताया कि रा से रावण और मां से मंदोदरी, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है राम, रावण मंदोदरी, रावण मंदोदरी। राम के नाम को रावण मंदोदरी समझ करके रावण संतुष्ट हो गया और चला गया है। इसलिए मैं यहां पर बड़े ही प्रेम से रहता हूं, भगवान का भजन करता हूं, लेकिन क्या हनुमान जी जब राम मुझे मिलेंगे तो क्या वो मुझे स्वीकार करेंगे, क्योंकि मैं तो एक असुर हूं और असुरी स्वभाव के साथ में असुरी वातावरण में रहता हूं। तो हनुमान जी कहते हैं, सुनो विभीषण प्रभु के ये रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। अपने सेवकों पर प्रीति रखते हैं, आपने उनकी शरण ग्रहण कर ली तो फिर आपसे प्रेम करने लग जाएंगे। वैसे भी आप उनका नाम जपते हैं भगवान के नाम में और भगवान में कोई भेद नहीं, वो आपसे प्रीति करते हैं। और इस प्रकार से तीसरा सत्य है कि जब ये बात जानकर के विभीषण भगवान राम के पास जाते हैं और अभी पुल बनना, जो सेतु बन रहा था रामेश्वरम में, वहां पहुंचते हैं तो सारे वानर आदि कहते हैं, देखिए राक्षस आ गया है, लगता है रावण का कोई दूत इंफॉर्मेशन लेने आया है। लेकिन वहीं पर भगवान राम कहते हैं, आने दीजिए, दूत के साथ भी हमें गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, सुनिए इसकी बात को। और पता चलता है ये रावण के अनुज विभीषण है और भगवान राम की शरण ग्रहण करी है। भगवान ने विभीषण को लंकेश कहकर के पुकारा,
तो सभी बोलते हैं प्रभु आपने लंकेश कह दिया, लंका का राजा, अभी तो हमारा युद्ध भी नहीं हुआ, अगर युद्ध के बाद में रावण नहीं मरा तो क्या होगा, फिर आपका वचन तो झूठा पड़ जाएगा। भगवान कहते हैं अगर लंका का राजा विभीषण बन गया और मैं हार गया तो फिर क्या करूंगा, मैं अयोध्या का राज्य रावण को प्रदान कर दूंगा। ये देखिए भगवान की विनम्रता, ये भगवान शिक्षा देते हैं। और भगवान ने अपने भक्त विभीषण को वो चीज दे दी जो शिवजी ने रावण को 10 सर काटने पर दी थी। कहते हैं जो संपत्ति शिव रावण ही दिया, काट काट दस मात, सोई संपत्ति विभीषण सकुच दिह श्री रघुनाथ। श्री रघुनाथ जी ने वही संपत्ति लंका रूपी विभीषण को खाली सर झुकाने से दे दी जो रावण को सर कटाने से मिली थी। अब यहां पर चौथा सत्य जानना चाहिए, आता है श्री चैतन्य चैतामृत के आदि लीला के 5वें अध्याय 36 नंबर श्लोक के तात्पर्य में श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि विष्णु पुराण के अंदर वर्णन किया गया है कि रावण हर बार जय विजय नहीं होते। रावण कुंभकर्ण जय और विजय को जो भगवान के द्वारपाल हैं, एक बार चतुर कुमारों ने श्राप दे दिया था जब उनको वैकुंठ द्वार में प्रवेश करने से रोका गया, जाओ तुम लोग असुर बन जाओ, या तो 7 बार भक्त बनो या 3 बार असुर बनो। उन्होंने कहा हम भगवान के धाम में वापस पुनः जल्दी आना चाहते हैं तो हम 3 बार असुर बन जाएंगे, पहली बार हिरणाक्ष हिरणाकश्यपु, और फिर त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण, और फिर द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र बन के आते हैं। लेकिन क्या ये हर बार आते हैं? नहीं, हर कल्प में नहीं होता है। तो यहां पर विष्णु पुराण के इस तथ्य को श्रील प्रभुपाद ने प्रस्तुत किया कि मैत्रेय मुनि पराशर मुनि से पूछते हैं कि क्या हर बार जय विजय ही रावण कुंभकर्ण होते हैं? तो पराशर ऋषि विष्णु पुराण में इस बात को बोलते हैं कि नहीं नहीं, हर बार जय विजय रावण कुंभकर्ण नहीं होते हैं। रावण कुंभकर्ण हर बार जय विजय नहीं है, हर बार असुर होते हैं। सही में कोई ना कोई राक्षस होता है जो भगवान राम से युद्ध करना चाहता है। तो ये बहुत बड़ा सत्य जानना चाहिए। 5वीं बात है कि रावण को लोग सोचते हैं कि वो असुर था, लेकिन ये नहीं जानते कि रावण ऋषि पुत्र था। पुलस्त्य ऋषि के पुत्र विशर्वा ऋषि के संतान है रावण। जो विशर्वा ऋषि थे उनका विवाह हुआ था केकसी के साथ में जो कि आसुरी थी, और दूसरा विवाह हुआ था इलाविदा के साथ में। इलाविदा से उन्हें कुबेर नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई, लेकिन विशर्वा ऋषि को केकसी से 6 पुत्र और 2 पुत्रियों की उत्पत्ति हुई। रावण कुंभकर्ण, अहिरावण, और हम देखते हैं खर दूषण और विभीषण, कुंभनी और सूपनखा, ये उनके संतान केकसी से उत्पन्न हुई थी जो कि राक्षसी स्वभाव की थी, क्योंकि विश्वरवा ऋषि की पत्नी राक्षसी स्वभाव की थी। 6ठी बात जाननी चाहिए, रावण का कई स्त्रियों से विवाह हुआ, लेकिन उनमें से मुख्य हैं मंदोदरी और धन्यमालिनी। धन्यमालिनी से अतिकाय नामक पुत्र की उत्पत्ति करी रावण ने, और रावण के कई पुत्र हुए मंदोदरी से, जैसे मेघनाद, प्रहस्त, अक्षय कुमार, और बताते हैं नरंतक, देवांतक और त्रिश्रा। ये प्रमुख पुत्र थे जिन्होंने इस राम युद्ध में, राम रावण युद्ध में भाग लिया था। 7वां सत्य आज हमें जानना चाहिए जो कि लोक प्रमाण से पता चलता है, रावण का जन्म बिशरक नामक गांव में हुआ जो कि आज उत्तर प्रदेश में है, और मंदोदरी का जन्म मंदसौर नामक स्थान में हुआ जो कि मध्य प्रदेश में है। ये 2 स्थान ऐसे हैं जहां पर रावण का दहन नहीं होता है बल्कि विजयदशमी पर रावण की पूजा होती है। और 8वीं बात हमें जाननी चाहिए, ऐसे विशाल रावण को मारने के लिए भगवान राम प्रकट होते हैं। रावण ने ये इच्छा करी थी कि मैं सभी लोगों को स्वर्ग भेज दूं अपने राक्षसों को, और स्वर्ग तक सीढ़ी बना दूं, बिना किसी योग्यता के स्वर्ग भेजना चाहता था। रावण असुरों पर चढ़ाई कर रहा था, 3 लोकों में सभी देवताओं को परेशान कर रहा था। तो सभी देवताओं ने इच्छा व्यक्त करी प्रभु से कि प्रभु आप प्रकट होइए। रावण को ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि मुझे ना तो कोई असुर मार सकता है, ना ही तो मुझे कोई देवता मार सकता है, ना ही कोई पशु मार सकता है। और उसने सोचा इंसान तो मुझे क्या मारेगा, इंसान में तो बल ही क्या है। और इसीलिए आता है श्रीमद् भागवत में कि भगवान कृष्ण के 18वें अवतार के रूप में 1:3:22 में आप देख सकते हैं, नर देवत्वम अपन्ना
सुर कार्य चिकीर्ष्या समुद्र निग्रह आदिनी चक्रे वीर्याणि अतः परम। अतः परम कार्य किया नर देवत्वम अपन उत्पन्न, भगवान ने नर का रूप लेकर के प्रकट हुए। सुर कार्य चिकीर्ष्या और देवताओं के कार्य को संपन्न किया, समुद्र निग्रह आदिनी समुद्र को पार किया, उस पर एक पुल बनाया जहां पर भगवान के नाम लिखने से पत्थर तैर गए, भगवान की इच्छा थी और पूरा का पूरा पुल बन गया। भगवान ने अति मानवीय कार्य किए जो कि एक मानव के बल की बात नहीं है, और ऐसे परम कार्य करके भगवान ने अपनी भगवत्ता को सिद्ध किया। नौवीं बात जो जानने योग्य है, रामचंद्र जी जब पुल पार करके वो समुद्र पर सेतु बना करके 100 योजन समुद्र पर चल करके जब पहुंचे तो उनका लंका के अंदर जब रावण के साथ युद्ध प्रारंभ हुआ तो ये रावण और राम की सेना का युद्ध 87 दिन यानी 87 डेज तक चलता रहा, और जब सभी राक्षस मारे गए अंत में रावण निकल आया राम से युद्ध करने के लिए तो राम और रावण का युद्ध 32 दिनों तक चला, और अंत में भगवान राम ने 31 बाणों से रावण का वध किया, 10 बाणों से उसकी 10 गर्दन को काट डाला, 20 बाणों से उसके 20 हाथों को काट डाला, और एक बाण उसकी नाभि में मार करके भगवान ने रावण का वध आज विजयदशमी के दिन दशहरे के दिन ही किया। 10वां सत्य हमें जानना चाहिए कि इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। शिक्षा ये मिलती है दशहरे के दिन, इस विजयदशमी के दिन, कि भगवान राम जो है वो कोई मनुष्य नहीं है। लोग बोलते हैं अरे भगवान तो मनुष्य रूप लेके आए, यानी कि मनुष्य ही थे। गीता में भगवान ने 9वें अध्याय 11वें नंबर श्लोक में इस बात को पुष्ट किया, अवजानन्ति मामूढ़ाम् मनुष्यं तनुमाश्रितम् परम भावम् अजानन्तो मम भूत महेश्वरम्। लोग सोचते हैं अवजानन्ति मामूढ़ा, मूर्ख मुझे नहीं समझ पाएंगे, वो सोचेंगे कि मैं तो मनुष्य रूप लेके आया तो मनुष्य ही हो गया। नहीं, परम भावम अजानन्तो, मेरे परम भाव को नहीं जानते, मैं ऐसे ऐसे कार्य करता हूं जो कि एक इंसान नहीं कर सकता। स्वरूप इंसान का है, रूप इंसान का है, लेकिन है तो सच्चिदानंद विग्रह भगवान श्री राम। स्कंद पुराण में आता है सीता जी भी कोई साधारण नहीं है। रावण जब सीता जी का हरण करने के लिए आया तो जिन सीता जी को रावण ने लिया वो तो माया सीता थी, क्योंकि ओरिजिनल सीता तो अग्नि देव के पास में सुरक्षित राम के द्वारा रखी गई थी। और जब रावण का वध हो गया तो भगवान ने अग्नि परीक्षा करी। लोग प्रश्न उठाते हैं क्यों अग्नि परीक्षा करी, क्योंकि अग्नि देव से अपनी ओरिजिनल सीता को पुनः प्राप्त किया और माया सीता को वापस अग्नि देव के पास छोड़ दिया। तो अग्नि से जैसे ही सीता जी निकली माया सीता उसमें चली गई, उनकी ओरिजिनल सीता जो ऐसे ही प्रोटेक्टेड थी वो वापस पुनः उनको प्राप्त। इस स्कंद पुराण का तत्व चैतन्य चरितामृत आदि के अंदर वर्णन किया गया। तो हमें यह देखना चाहिए कि लोग लक्ष्मी यानी कि सीता को हरण करके अपना बना लेना चाहते हैं, जो कि रावण की बुद्धि है, लेकिन हनुमान की बुद्धि कैसी है, भक्त की बुद्धि कैसी है, वो अपनी लक्ष्मी यानी अपना धन भगवान को दान देना चाहता है, भगवान की सेवा में लगाना चाहता है। लक्ष्मी को नारायण की सेवा में लगाना यही सबसे उत्तम बात है। और हमें जानना चाहिए हमारी जो आत्मा है ये सीता रूपी आत्मा हमारे इस लंका रूपी शरीर में बंद हो गई है, जिसमें हमारा मन रूपी रावण और उसके 10 सर यानी 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां उसको पकड़ के रखती हैं, जकड़ के रखती हैं, सीता को छोड़ने नहीं देती। लेकिन जब हनुमान रूपी भक्त अपनी ज्ञान की अग्नि लगा के इस लंका का दहन कर देते हैं तब जाकर के प्रभु राम आते हैं और आकर सीता को पुनः प्राप्त करते हैं और आत्मा भगवान की सेवा में लग जाती है। तो दशहरे के विजयदशमी के ऐसे 10 सत्यों पे आज हमने चर्चा करी। आशा करते हैं आपका विजयदशमी दशहरा मंगलमय होगा। हरे कृष्ण। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।